बताने जा रहे हैं कि हायर का जो इन्वर्टर फ्रिज होता है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं और उसकी थर्मल स्टेट पे कैसे वर्किंग करते हैं। तो ये अभी इसका जो है थर्मोस्टेट लॉक है, इसको ऑन करने के लिए हमने जस्ट क्या करना है, 3 सेकंड तक इधर फिंगर रखनी है। ये अभी इसका लॉक ओपन हो गया है, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक टेम्परेचर ऊपर वाले खाने का जो होता है या होता है नीचे वाले खाने का, इसको दबाएंगे ये टेम्परेचर आएगा। इसको टेम्परेचर को सेट करने के लिए आप 1, 2, 3, 7 से 1 तक आप कोई भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके जो बाकी फंक्शन आ जाते हैं, इसमें एक आ जाता है पावर कूलिंग, अगर आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए हो तो आप पावर कूल सेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पावर फ्रीजिंग, अगर आपको बर्फ़ जल्दी बनानी हो तो जल्दी बर्फ़ चाहिए हो तो आप पावर फ्रीज पे सेट कर सकते हैं। तीसरा इसका फंक्शन होता है फ्यूजी मोड का। फ्यूजी मोड जो होता है वो आपको ऑटोमेटिक मोड होता है, यानी कि माहौल के मुताबिक आपका टेम्परेचर सेट करेगा ये फ्रिज खुद ही, क्योंकि इसमें सेंसर लगे होते हैं, इन्वर्टर फ्रिज होता है। तो फ्यूजी मोड पे आपने इसको सेट कर देना है, फिर आपने 3 सेकंड के लिए इस पर फिंगर रख देनी है, तो आपका लॉक हो जाता है। उसके बाद कोई भी अगर बच्चा या कोई भी बंदा अगर फिंगर लगाता है तो आपका ये सेट ही रहेगा, खराब नहीं होगा।